स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। इस वक्त छत्तीसगढ़ के सुकमा से मिल रही है जहां पर सीआरपीएफ की एएसआई ने आत्महत्या कर ली है, खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। सर्विस राइफल से एएसआई ने खुद को गोली मारी है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। गादीराज कैंप में पदस्थ सीआरपीएफ एएसआई शिवानंद ने खुद की राइफल से, सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी है। एएसआई का नाम शिवानंद बताया जा रहा है, जो सुकमा में तैनात था, गादीराज कैंप में तैनात था, जहां पर सीआरपीएफ की एएसआई ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया कि क्या कारण रहे जिसके चलते एएसआई ने खुद को गोली मारी। गादीराज कैंप में पदस्थ एएसआई शिवानंद और सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली है। शिवा यादव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, क्या कुछ है पूरी खबर? जी, मैं आपको बता दूं कि सुकमा जिले के गादीराज क्षेत्र में सीआरपीएफ सेकंड बटालियन का यह जवान एएसआई शिवानंद था, जो कि सुबह अपने सर्विस राइफल AK-47 से खुद को गोली मार लिया, जिसके बाद पतासाजी की जा रही। हालांकि कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी घरेलू कारण हो सकता है जिससे वह अपने आप को गोली मार लिया हो। जी, जो जवान के आसपास के जो साथी थे, जो उनके साथ रहते थे, मिलते जुलते थे, उनसे कुछ पता किया गया, उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई संदर्भ में? शिवा, जवानों का कहना है कि जो शिवानंद थे वो काफी मिलनसार थे, सबसे हंसते खेलते बात कर रहे थे। किसी को ऐसा कुछ अंदेशा नहीं लगा था कि जवान किसी डिप्रेशन में या किसी कोई कारण हो कि वह इतना खतरनाक कदम उठा सकता है। जवानों का कहना है कि जरूर किसी घरेलू कारण होगा, क्योंकि वह अपने अंदर दबा के रखे थे, किसी से शेयर नहीं किए थे। तो हाल ही में 2-4 दिन में व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखा हो शिवानंद के? जी, ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही। हालांकि पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द जांच करके इस बात का खुलासा किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया शिवा।